जय हिंद। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि देश का कानून कैसे बनता है, कैसे उसकी रूपरेखा तैयार होती है, कैसे उसको सदन में लाया जाता है? तो इन सब की चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। कानून बनाने से पहले उसकी रूपरेखा तैयार होती है और उसे ड्राफ्टिंग या मसौदा कहते हैं। यह मसौदा अधिकारी लोग बनाकर मंत्री को देते हैं और मंत्री इस मसौदे को संसद में लाते हैं। इस क्रिया को पुनर्स्थापन या इंट्रोड्यूस कहते हैं और इसी मसौदे को विधेयक भी कहते हैं। यह विधेयक जैसे सदन में आएगा तो सदन के दोनों सदन होते हैं, या तो पहले लोकसभा में जाएगा या राज्यसभा में। जैसे ही यह विधेयक संसद में जाता है तो पहले सदन में इसे पुनर्स्थापन या प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद इस विधेयक पर चर्चा होगी और उस पर मतदान होगा। मतदान होने के बाद विधेयक पारित हो जाएगा, फिर उसे दूसरे सदन में भेजा जाएगा, फिर वहां प्रस्तुत किया जाएगा, उस पर भी चर्चा होगी, उस पर मतदान होगा और उसके बाद उसको पारित कर दिया जाएगा। इस प्रकार कच्चा मसौदा संसद में आया और पारित होने के बाद उसे बिल या विधेयक कहते हैं। उसके बाद इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति इस विधेयक पर साइन भी कर सकता है और इसे लौटा भी सकता है। जब राष्ट्रपति इस बिल पर साइन कर देता है तो ये बिल एक्ट या कानून बन जाता है। साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं और सभी लोग हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।